नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सबको रंगोत्सव की ढेरों शुभकामनाएं, होलिका पूजन की ढेरों शुभकामनाएं। भारत में चुनाव का रंग चढ़ रहा है और माफिया, सफेद पोश माफियाओं का गैंग अब लगातार जेलों की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में एक नैरेटिव यह गढ़ने की कोशिश हो रही है कि नरेंद्र मोदी डर रहे हैं विपक्ष से या विपक्ष का खेल खत्म कर देना चाहते हैं। इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपने बैठकों में पूरे देश भर में 400 पार भाजपा को कराने के जद्दोजहद में हैं। भाजपा ने तीसरे राउंड में टिकट की घोषणा कर दी है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण खबर गांधी परिवार के एक और लाडले वरुण गांधी का टिकट काटने से है। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी और सोनिया गांधी की जमीन खींचने के बाद अब वरुण गांधी, इसके क्या मायने हैं उस चुनाव में थोड़ा सा हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। और जो लगातार ये चल रहा है कि मोदी सरकार जांच एजेंसियों के सहारे विपक्ष को कमजोर कर रही है, तो हम आज यह समझेंगे कि कांग्रेस काल में किस तरह से जुडिशियरी पर नियंत्रण करने की साजिश रची गई और वो साजिश हाल के कुछ वर्षों तक किस खतरनाक मूड में था, इसे समझने की कोशिश करेंगे। और बॉलीवुड के माध्यम से सनातन पर, भारत पर पाकिस्तान से कैसे कंट्रोल होता था जी, क्यों इसे कराची वुड, दाऊद वुड कहा जाता है, क्यों सलीम जावेद की जोड़ियों ने लगातार भारत में षड्यंत्र किए और उसका कंट्रोल पाकिस्तान से कैसे था, इसे समझने की कोशिश करेंगे। सतीश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार और होली की अशेष शुभकामनाएं। आपको भी होली की अशेष शुभकामनाएं। सर, भाजपा ने तीसरे राउंड में उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इधर माफिया, सफेद पोश, बेईमानों की टोली जेल जाने से बचने की जद्दोजहद में है। आम आदमी पार्टी का सरगना केजरीवाल हवालात में है। होली के दो दिन बाद हो सकता है हवालात के उसके समय और बढ़े, कुछ और पता चले। उधर बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक, यूं कहें कि दक्षिण भारत तक, ईडी अपना रौद्र रूप में है माफियाओं को अंदर करने के लिए। और मैं कहता हूं कि ये कोई वही सरकार कर सकती है, चुनाव के समय वही सरकार ऐसा रिस्क ले सकती है, जिसे लगता है डिटर्मिनेशन कि हाँ हमें इस चोर बेईमानों को छोड़ना नहीं है, वरना कई बार ये बैक बाउंस कर जाता है। उस बीच चुनाव की घोषणा में सबसे महत्वपूर्ण, राहुल गांधी को अमेठी से हराया गया तो वायनाड भाग गया, अब की बार अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहा पारंपरिक सीट से। सोनिया गांधी मैदान छोड़ करके, पारंपरिक रायबरेली जहां से इंदिरा जी चुनाव लड़ती थी, वहां से छोड़ करके भाग गई। प्रियंका वाड्रा हिम्मत नहीं कर पाई कि वहां से लड़े। अब पारंपरिक एक सीट है पीलीभीत गांधी परिवार का, वहां से वरुण गांधी चुनाव लड़ रहे थे और कहा जा रहा था कि राहुल गांधी से बड़ा तेज तरार है, सुयोग्य उम्मीदवार है। और जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे तो बड़ा कह रहे थे कि मोहब्बत बांट रहे थे, तो लग रहा था कि भाई जो है वरुण को भी उम्मीद थी कि ये मोहब्बत जो बांटते बांटते बड़ा भाई बड़ा दिल दिखाएगा, तो बड़ा भटक रहा था वरुण गांधी। माए तो सीट बचा ली सुल्तानपुर से, लेकिन वरुण गांधी का टिकट कट गया। इस तीसरे राउंड में कई चौंकाने वाले जो फैसले, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है गांधी परिवार के आखिरी युवराज का भी पत्ता कट जाना। मनीष जी, कर वरुण गांधी का पिछला जो आचरण था, करीब साल दो साल से था, ये भी नहीं कि महीने दो महीने से, वो आचरण था ही संदेहास्पद। उस पर उंगलियां उठने लगी थी और बहुत साफ समझ में आ रहा था कि वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जमकर अपना इशारों में, संकेतों में जितना जहर वो आदमी उगल सकता था वो उगल रहा था। तो ऐसी स्थिति में वरुण गांधी को टिकट मिलेगा तो मिल जाता, तो फिर बहुत है, मतलब दयनीय दशा होती पार्टी की तब मिलता। तो वरुण गांधी का टिकट तो कटना था, बिल्कुल सही है, लेकिन जिस तरह से उसको बैलेंस करने की कोशिश की गई मनीष जी, वो भी बड़ा हास्यास्पद है।
जरा गौर करिए कि लिस्ट को जारी हुए करीब करीब 2 घंटे हो चुके, और ये सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, और मतलब कहा जाता है कि ग्लोबल विलेज हो गई है दुनिया, लेकिन अभी तक मेनका गांधी ने एक भी ट्वीट नहीं किया है उस पर, अपने जो उसको मेनका गांधी को सुल्तानपुर से जो प्रत्याशी घोषित किया गया है, मेनका गांधी की कोई कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ये क्या संकेत दे रहा है? ये अन्यथा मनीष जी प्रत्याशी के इंतजार में बैठे रहते और मालूम था कि आज लिस्ट आनी है, तो स्वाभाविक है दोनों माँ बेटा, हालांकि बेटे का तो उम्मीद नहीं करनी चाहिए, वो इस लायक उसने खुद ही अपने आप को डिस्क्वालीफाई कर लिया था अपने आचरण से, लेकिन मेनका गांधी को तो कुछ तो उस पर। तो अभी जो पीलीभीत का फैसला है, पीलीभीत पे वरुण गांधी का टिकट काटकर जितिन प्रसाद को मंत्री, जो यहाँ के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, उनको उतारा है। नौजवान प्रत्याशी हैं, ठीक ठाक है, उनके वहां संबंध भी हैं, अच्छा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हार और जीत का फैसला मनीष जी सुल्तानपुर की सीट के बाद होगा। अगर मेनका लड़ जाती है सुल्तानपुर से, और अगर वो जैसा चल रहा है कि वरुण गांधी निर्दलीय लड़ेंगे, तो निर्दलीय लड़ेंगे तो अपनी और बेइज्जती वो कराएगा वो आदमी। निर्दलीय जीतने का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। वो एक दौर था कि मेनका गांधी जीत जाती थी, तो तब के और आपके राजनीतिक मौसम में बड़ा बहुत परिवर्तन आ चुका है। तो इस मोदी लहर में वरुण गांधी निर्दलीय जीत जाएंगे, ये कल्पना करना भी व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है। वो अपनी ईगो शांत करने के लिए वो लड़ेगा, लेकिन अगर मां ने सुल्तानपुर से लड़ने से मना कर दिया तो ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक मेनका गांधी की कोई प्रतिक्रिया ना तो टेलीविजन पे सुनाई दी, और ट्विटर पे तो आ ही जाती है। ट्विटर पे वो महिला 26 फरवरी से बिल्कुल शांत बैठी है, उसने केवल 4 मार्च को एक ट्वीट किया था, वो भी रिट्वीट कर दिया था प्रधानमंत्री मोदी का, कि मैं भी मोदी का परिवार। उसके अलावा ना तो सरकार के पक्ष में ना पार्टी के पक्ष में कोई ट्वीट मेनका गांधी का नहीं है, और 2 घंटे हो चुके अभी तक अपनी जो उम्मीदवार घोषित किया गया है तो उस पर भी कोई ट्वीट नहीं। तो पहली बात तो ये कौन लोग मैनेज कर रहे हैं, जरा अभी कुछ टिप्पणी करना मुझे शोभा नहीं देगा, बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन ये जो अब ये समझ में आ रहा है कि भाजपा ये तो जान चुकी कि अब ये 80 सीट पे मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं है, तो लड़ने की आदत है, तो संभवतः आपस में लड़ाई शुरू हो गई है कि आपस में लड़ के आओ, पहले हम लोग लड़ लें। तो ये उसका परिणाम है, अभी ज्यादा नहीं बोलूंगा, पहले मेनका गांधी की प्रतिक्रिया आ जाने दीजिए। और जो पीलीभीत का चुनाव है, अगर मेनका गांधी सुल्तानपुर से चुनाव लड़ती है तो वरुण गांधी संभवतः दूसरे या तीसरे स्थान पर रहेंगे, जीतने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन अगर मेनका गांधी ने नाटक करके सुल्तानपुर की सीट छोड़ी और अपने लड़के को लड़ाने लगी पीलीभीत से, तो पीलीभीत की सीट पर लड़ाई तगड़ी हो जाएगी, फिर ये होगा कि कुछ भी हो सकता है इधर से उधर। तो अभी उसकी प्रतीक्षा करिए, पीलीभीत पर कोई हम लोग राय दें, उससे पहले जरा इंतजार करें कि कल तक क्या होता है, मेनका गांधी की क्या प्रतिक्रिया आती है अपनी उम्मीदवारी पे और लड़के का टिकट कट जाने पे, क्योंकि मेनका गांधी का भी दूसरा सहारा सिवाय लड़के कोई है वह नहीं। तो मुझको नहीं लगता कि लड़के का टिकट कटवा के मेनका गांधी सुल्तानपुर से लड़ेगी, तो पहली चीज तो यह है। और दूसरा, हालांकि सुल्तानपुर से टिकट देने से पहले बात तो जरूर ही होगी कि तुम्हें सुल्तानपुर से टिकट दिया जा रहा है, तुम्हें स्वीकार है नहीं स्वीकार है, तुम यदि नहीं लड़ना चाह रही हो, मुझे नहीं लगता कि टेस्ट ये बात तो पूछा जरूर गया होगा उस मेनका गांधी से, क्योंकि जिस ढंग की वो बरबोली और बदमिजाजी का स्वभाव मेनका गांधी का है, मेनका गांधी कह सकती थी कि हम नहीं टिकट नहीं लेंगे, तब तो भद पिट जाएगी पार्टी की। अब पता नहीं मनीष जी पूछा गया कि नहीं पूछा गया, क्योंकि वो सिटिंग एमपी वहां थी, तो अब ये एक दो दिन में स्पष्ट हो जाएगा, मतलब डिक्लेयर होने के बाद भी अभी वो भ्रम की स्थिति है, तो अब देखिए क्या होता है। बात इस फैसले को आप किस रूप में ले रहे हैं? ये तो बड़ा चौंकाने वाला फैसला, चूंकि इन लोगों को तो अहंकार है, मैंने कई बार कहा कि व्यक्तिगत रूप से मैं वरुण गांधी को मैंने नजदीक से देखा है, वो एक राहुल गांधी कम से कम इस तरह का बदमिजाज नहीं है जिस तरह का बदमिजाज है वरुण गांधी। अहंकार जो है वो संजय गांधी वाला उसी ढंग का अहंकार है, वो अहंकारी ज्यादा है। वो तो मैंने हम लोगों ने पिछले कार्यक्रम में कहा था जब इसकी बात चल रही थी कि वरुण गांधी इसीलिए उसका इतिहास के 5 साल सांसद रहने के बाद वो दूसरे किसी सीट पे चुनाव पर दोबारा नहीं लड़ा, वो हमेशा सीट उसने बदल दी, उसके अब तक के संसदीय जीवन का ये इतिहास है। तो वरुण गांधी की कोई हैसियत नहीं है। और देखिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूं मनीष जी कि मेनका गांधी को सुल्तानपुर से टिकट देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था, बिल्कुल काट देना चाहिए था, क्योंकि मेनका गांधी ने उस तरह से बदतमीजी भले ना की हो,
लेकिन रंग ढंग उसने भी दिखाया, पिछले वो तो दो तीन साल से दिखा रही थी, वो सीधे सीधे भाजपा विरोधी होने का संकेत वो दे रही थी। तो उसका अगर आप सीधे काट देते तो ये दशा ना होती। अगर उसने रिफ्यूज कर दिया तो क्या होगा? तो ये इसकी अभी प्रतीक्षा करिए, देखिए क्या होता है। अभी कुछ भी आकलन करना ठीक नहीं। जैसे मनीष जी कह रहे, हो सकता बात करके दिया, बात करके दिया होता तो मेरा मानना है ट्विटर पे उसकी प्रतिक्रिया आ गई होती मेनका गांधी की, वो नहीं आई है। तो अब वो थोड़ी पहली उलझी हुई है, जब तक मेनका गांधी की हाँ या ना सामने ना आ जाए उसके बाद फिर हम लोग पीलीभीत का विश्लेषण करेंगे। फिलहाल अगर निर्दलीय लड़ा वरुण गांधी तो जीतने कोई सवाल नहीं है। ये है कि तीसरे नंबर पे आएगा या दूसरे नंबर पे आएगा, लड़ाई ये होगी। क्योंकि उसकी वजह बता दूं कि वो जो मोदी लहर चल रही है वो उसका मुकाबला करना अकेले निर्दलीय जरा कठिन काम है। तो देखिए क्या होता है। बिल्कुल। और दूसरा ये मनीष जी, इसलिए दूसरा अरुण गोविल को मेरठ से उतारा है तो वो भी मेरी समझ में वो फैसला नहीं आ रहा। क्योंकि तो मेरठ मेरठ में जिन लोगों के टिकट कटे हैं भाजपा के, तो जाहिर सी बात है कि गंगा स्नान करने कोई नहीं जाता। राजनीति में जब चुनाव लड़ने तैयारी करता तो कई लोग होते हैं, और मेरठ बड़े दिग्गज नेता रहे हैं भाजपा के वहां पे, और उन सबको दरकिनार करके वो कितना अरुण गोविल को स्वीकारेंगे ये वक्त बताएगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन फिर भी वो अरुण गोविल को जो टिकट दिया गया है वो बढ़िया है, और वो गाजियाबाद से भी टिकट क्योंकि डिक्लेयर हो गया है, तो वो जो इन मीडिया ने एक बड़ी हवा बनानी शुरू की थी वो गवैये के लिए कि वो गवैया मेरठ से लड़ेगा, वो गवैया गाजियाबाद से लड़ेगा, तो मैंने उस दिन भी कहा था कि ये इनका प्रायोजित मामला है, उसको लड़ाने कोई मतलब नहीं है, और उसको टिकट नहीं मिला तो ये संतोष की बात है। अब अरुण गोविल का करिश्मा भाजपा की गुटबाजी में कितना भारी पड़ेगा। एक उनके साथ है कि इस समय राम लहर, भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन हुआ है, और स्वयं भी अरुण गोविल का आचरण कहीं से भी वो दोषपूर्ण नहीं रहा या उस पर कभी उंगली नहीं उठी है पिछले पिछले 25-30 साल से, और साथ में मोदी लहर है। तो मैं मानता हूँ जीत लेंगे, जीत जाना चाहिए मेरठ का, मगर ये कि उनको कहीं और दूसरी जगह लड़ाते तो ज्यादा बेहतर होता। बाकी सीटें ठीक है जिनपे अभी निगाह थी वहां डिक्लेयर नहीं किया, जैसे बहराइच कह रहा हूँ, कैसरगंज जहाँ ब्रजभूषण सिंह वाली सीट है, रायबरेली किसको उतार रहे हैं, ये किसकी सीट है, तो ये इसके लिए अभी इंतजार हम लोग को करना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये सबसे महत्वपूर्ण बिहार देखिए, दूसरे जगह इंटरेस्टिंग ये है कि एनडीए एकदम से कहते ना कि बैलेंस करके अपने गठबंधन के साथ उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है, लेकिन यूपी से लेकर के बिहार तक ये जो एनडी अलायंस एनडी गैंग है उनका देखिए, बिहार में लालू यादव और कांग्रेस के बीच टकराहट है। जिस पप्पू यादव को कांग्रेस ने अपने पार्टी में शामिल करा वो पप्पू यादव लालू यादव के खिलाफ ही ताल ठोक रहा है, हम तो पूर्णिया से लड़ेंगे ही। और कमाल की बात है, पूर्णिया में एक ऐसे माफिया आदमी जो जिसको टिकट नहीं दिया जा सकता था, तो उसने लालू ने उसकी अभी एक सप्ताह पहले शादी करवाई है सर, ये बीमा भारती नाम है शायद, उसकी शादी उस महिला की कराई गई उस माफिया से, क्योंकि वो एक हार्डकोर क्रिमिनल है और वो चुनाव नहीं लड़ सकता, उसे पूर्णिया से उतारा जा रहा है। पप्पू यादव दूसरी तरफ ताल ठोक रहे हैं, पप्पू यादव खुद बाहुबली है, तो बिहार अभी भी अवधेश मंडल, तो अवधेश मंडल उसका पति अवधेश मंडल है, अवधेश मंडल है बड़ा क्रिमिनल है रहा है, और उसको चूंकि टिकट नहीं दिया जा सकता है इसीलिए अभी पिछले हफ्ते साजिश पे, मुझे लगता है अलग से इसको समझने की जरूरत है, इसीलिए लालू ने शादी करवाई। देश को समझना चाहिए कि ऐसे ऐसे लालू जैसे लोग, केजरीवाल जैसे लोग, मुलायम सिंह यादव जैसे लोग किस स्तर की राजनीति करते थे, और वो अभी जो बताया कि किस तरह से गांधी परिवार का पूरी तरह से जमीन से खत्म कर देना कैसे खत्म किया जा रहा है, और मोदी उसमें कितना महत्वपूर्ण देश हित के लिए काम कर रहे हैं, वो समझना हो कि इस परिवार ने इस देश की कैसे तबाही की है। और उसके बाद कांग्रेस के प्रसरे से जो ये जातिवादी परिवारवादी जो नेता पैदा हुए, वो आज भी सोचिए एक माफिया की शादी कराई जाती है इसलिए कि वो टिकट चुनाव नहीं लड़ सकता तो उसकी बीवी चुनाव लड़ सकती है। मतलब राजनीति में जो कानून का कैसे दुरुपयोग किया जा सकता है, लूपहोल कैसे निकाला, मतलब तुम चुनाव नहीं लड़ सकते हो, बीबी एक दूसरी शादी कर लो, उसको तलाक दे दो, इससे शादी कर लो, वो चुनाव लड़ेगी, क्योंकि एकमात्र पत्नी है जिसके माध्यम से, कहते ना कि मुखिया पति, पंचायत प्रमुख पति, विधायक पति, मतलब विधायक पत्नी होगी और सरकार सिस्टम वो चलाएगा। तो एक अभी भी लालू यादव जैसे लोग
सिस्टम में क्रिमिनल मेंटेलिटी के लोगों से मुक्ति नहीं दिलाना चाह रहे हैं क्या? इसको समझाया, जनता के बीच ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि लालू यादव जैसे सजायाप्ता अपराधी अपने होता ना, आप जैसे होते हैं वैसे लोगों को, आप जैसे होते हैं आपके मित्र वैसे ही होते हैं। कहा जाता ना कि भाई बहन आपके कौन होंगे आप तय नहीं करते, लेकिन मित्र कैसे होंगे आपके वो आप तय करते हैं। तो लालू यादव एक सजायाप्ता अपराधी है, तो उसको एक सजा वैसे ही सजायाप्ता लोग चाहिए। अब उस सजायाप्ता को चुनाव में नहीं उतार सकता तो उसकी शादी करवा दी, पता ऐसा नहीं कि उसकी बीबी को उतार दिया, पर बाकायदा अभी एक पिछले सप्ताह उसकी शादी कराई गई है और मीडिया में खबर आ रही थी कि शादी इसीलिए कराई जा रही है कि उसकी बीबी को टिकट देगा, और चीजें वही सामने आ रही है। देखिये मनीष जी, लालू यादव के नाम से एक रिकॉर्ड हमेशा दर्ज रहेगा कि भारतीय लोकतंत्र में उसने कई सर्वनाक अध्याय जोड़े हैं, कई सर्वनाक अध्याय जोड़े हैं, एक आध नहीं, मतलब उसका पूरा जीवन इसी तरह के अध्याय जोड़ने से जुटा रहा। और ये जो आप बीमा भारती अवधेश मंडल वाला अध्याय बता रहे हैं, ये एक और नया सर्वनाक अध्याय जोड़ा है। सोच लीजिए कैसा माखौल बना दिया इन लोगों ने इस देश के लोकतंत्र को या चुनाव को, कि क्योंकि एक अपराधी को, एक बाहुबली को जिसे कहने दबंग जो भी कहिए उसको, कि उसको चुनाव मैदान में उसको उतारना है, उसकी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना है, तो चार दिन पहले उसकी शादी करा दो। यानी शादी कराने का पैमाना चुनाव हो रहा है कि एक औरत इसको नाम से दर्ज हो जाए कि ये इसकी पत्नी है। और अवधेश मंडल किस तरह से उस क्षेत्र की जनता का क्या हाल होगा, लोकतंत्र का क्या हाल होगा, और उस अगर वो पहुंच जाए, हालांकि पहुंचेगा तो नहीं, अगर वो पहुंच जाए सदन में तो सदन का क्या हाल होगा उस नई लोकसभा जो बनी है। लेकिन मनीष जी, ये तो अभी इस पे ये मामला आगे बढ़ेगा, इस पे लंबी चर्चा आप करेंगे, लेकिन मैं आज जरा दूसरा इस पे नोट दे दूं जो अभी आई है बिहार की खबर, कि जिस तरह से पप्पू यादव, लालू यादव और आरजेडी में ठन गई है, एक दूसरे से बयानबाजी शुरू हुई है। तो हम लोग जब जून में शुरू हुआ था गठबंधन वाला ड्रामा, तो हम लोगों ने कहा था कि जूते में दाल बटना शुरू हो गई है, लेकिन अब वो दाल खत्म हो गई तो कहां बटेगी। तो अब चूंकि दाल खत्म हो गई, तो अब जब जूते का भी कोई काम नहीं है, अब जो है बटरोई और कलछी आपस में लड़ना शुरू हुए हैं, बिहार में कुछ बचा नहीं है, अब एक दूसरे से निपट रहे हैं। तो ये बड़ा, ये भी हास्यास्पद भी, और जरा सोचिए कि ये लोग जून में जो तैयार हो रहे थे कि हम नरेंद्र मोदी को पटक देंगे, उनकी स्थिति ये हो गई कि एक एक सीट पर अब आपस में एक दूसरे का कॉलर पकड़ रहे हैं। सब कुछ जानते हुए कांग्रेस ने उसको शामिल किया, कल उसको कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित कर दिया, लालू यादव एक अपराधी को उतार दिए। तो ये इन लोगों की सोच राजनीति के विषय में है, लोकतंत्र के विषय में है, समाज के विषय में और देश के विषय में ये लोग, और ये लोग दावा कर रहे थे आज से 6 महीना पहले, अब तो ज्यादा हो गए, समझिए 9 महीने पहले, जून 2023 में, कि इस देश की सत्ता हमको दे दो। ये इस अपने करतूतों से, अपने कारनामों से ये बार बार संदेश दे रहे हैं कि सत्ता देना देश की तो बड़ी दूर की बात है, इनको वोट देना भी पाप है। इनको अगर आप वोट देते हैं तो आप इनके पाप में भागीदार होते हैं, भगवान जाने कौन लोग इनको वोट देते हैं। बिल्कुल, इसीलिए समझना बहुत जरूरी है कि एक ऐसा व्यक्ति जो क्रिमिनल मेंटेलिटी का, वो चुनाव नहीं लड़ सकता तो उसकी शादी करा दी गई ताकि उसे मुंगेर से उतारा जा सके और अलग अलग जगहों से। ये सब खेल है, ये बेसिक चीज है, इसको समझने की जरूरत है। हृतिक चटर्जी का, मनीष भैया, गुरु जी पर सवाल है कि आप दोनों में से, कि मायावती जी ने सूची जारी की है, उससे नुकसान किसको होगा? जय श्री राम। देखिए मायावती की जो सूची आई है वो कोई नुकसान नहीं, मायावती अपने आप को किसी तरह प्रासंगिक बनाए रखने के लिए कर रही हैं, और बड़ी तादाद में जो मायावती ने ब्राह्मणों को और मुसलमानों को वोट दिया है, तो मायावती का टारगेट हमेशा होता है कि ब्राह्मण वोट जो है भाजपा का काट लें और मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के डैमेज करें। लेकिन मायावती का ये प्रयोग विधानसभा चुनाव में फेल हो चुका है और बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ, और मुझको भी आकलन नहीं था, मैं लगातार दावा कर रहा था कि मायावती डैमेज करेगी, लेकिन मायावती को बसपा को मुसलमानों ने वोट नहीं दिया था। एक तरफा एकजुट होकर उन्होंने एक सिर्फ साइकिल को वोट दिया था, और उसी के नतीजा है कि जिस 2007 से 2012 तक जिस बसपा की यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार थी, उस बसपा को पिछले चुनाव में एक सीट मिली है मनीष जी। तो वो केवल इसीलिए था कि मुसलमानों ने पूरी तरह बायकॉट कर लिया था, कम से कम हम लोग उन्हीं से सीख ले लें कि उसी तरह से बायकॉट करना और एक ही पार्टी के समर्थन करना है। और ये संदेश मुसलमानों ने दिया है, मुस्लिम मतदाताओं ने उत्तर प्रदेश की जनता को तो दिया है 2022 के विधानसभा चुनाव में, तो हम क्यों नहीं वो काम कर सकते हैं।
जब वो इसी आधार पर करते, तो मायावती किसी को डैमेज नहीं करेंगी, लेकिन अब हो सकता है थोड़ा सपा को वो डैमेज करें। उसकी वजह यह है कि 2022 में तो सपा जिस तरह से आई थी, ताल ठोक कर लग रहा था कि वो सरकार बनाने का दावा करने जा रही है, खैरातियों ने तान भी दिया था, बड़े लंबे लंबे ओपिनियन पोल दिखा दिए थे, लेकिन अब की समाजवादी पार्टी की स्थिति टूटी फूटी पंचर साइकिल की तरह है। तो अब की मुसलमान थोड़ा ऐसा नहीं कि टूट के उन्हीं की तरफ जाएगा, लेकिन क्या करता देखिए। दो तीन चीज और है, मुझे लगता है कि एक और उम्मीदवार जो इंटरेस्टिंग उतारा गया है वो टिकट कंगना रनौत को देने का है, तो अल्टीमेटली हाँ कंगना रनौत को मिल गया। और दूसरा एक और चीज है, दुमका से सीता सोरेन को, मतलब दुर्गा सोरेन की पत्नी जो बड़ी बहू है शिबू सोरेन की, उसको दे दिया गया है। तो ये जो इसे कहते हैं राजनीति में एक वो चाल चलना कि आप अपने आप को हरा लेना किसी चीज से, एक विक्टिम कार्ड यदि आदिवासी के नाम पर और हेमंत सोरेन के उसके नाम पर यदि खेल दिया गया तो ये खतरनाक हो जाएगा। इसीलिए मुझे लगता है कि नहीं, देखिए सीता सोरेन को तो कह उन्होंने दिया टिकट, ठीक है। कंगना रनौत के तो एक तरह से मैं कहूंगा लॉटरी खुली है, और जीत उनको चुनाव से पहले प्लेट में सजा के मिल गई है। उसका कारण है कि मंडी से बहुत उनकी पत्नी लड़ती थी वीरभद्र सिंह की, तो उनकी पत्नी ने मना कर दिया है वीरभद्र सिंह की कि हम अब की चुनाव नहीं लड़ेंगे, और नहीं लड़ेंगे क्या, सीधे सीधे कांग्रेस के वो विरोध में आए। तो प्रतिभा सिंह अगर कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़ेंगी और कांग्रेस का विरोध कर रही है, तो कंगना रनौत के लिए तो एक तरह केक वॉक है, वो औपचारिकता है चुनाव को। बिल्कुल मुकुल जी का बहुत महत्वपूर्ण चीजें कह रहे हैं कि अब अभी हम लोग सतीश जी और हम लोग जो बात कर रहे थे, देश के क्रांतिवीरों ने आजादी में अपने प्राण देकर दिलवाई, पर लालू केजरी जैसे नीच इस राजनीति का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए सावरकर फिल्म सबको देखनी चाहिए। सावरकर फिल्म आप लोगों को अभी बताऊं कि होली के कारण जो परफॉर्मेंस होना चाहिए वो बड़ी संख्या में लोग नहीं पहुंचे। मुझे लग रहा है कि ये टाइमिंग शायद संभवतः सावरकर के रिलीज होने का गलत समय है, लेकिन होली के बाद आप सबसे आग्रह, मैं खुद देखूंगा, सतीश जी भी देखेंगे और उसका हम लोग विश्लेषण भी करेंगे, तो सावरकर फिल्म जरूर देखिए, ताकि आप जो इस देश में जो एक गलत नैरेटिव पैदा किया गया, सावरकर को जो खलनायक वीर सावरकर को बनाया गया और नेहरू जैसे लोगों को नायक बना दिया गया, मुझे लगता है धीरे धीरे वो परत अब खुल रही है। तो आप सब सावरकर फिल्म जरूर देखिएगा, हम यदि देखेंगे तो उस पर हम लोग समीक्षा जरूर करेंगे। सर हम लोग लगातार फिल्मों की जब बात करते थे तो बॉलीवुड पे कई शो हम लोगों ने किया, हम लोगों ने बताया कि किस तरह से इस देश में बॉलीवुड के माध्यम से एक शरारत हुई सनातन के खिलाफ सलीम जावेदों की को लेकर के, लेकिन ये समझ छोटी रही, सिर्फ सलीम जावेद की एंट्री नहीं, एक बड़े पैमाने पर बड़े षड्यंत्र के तहत इस देश के खिलाफ बड़ा खेल हुआ। और ये बड़ा खेल ये हुआ कि बॉलीवुड पूरी तरह से पाकिस्तान के कब्जे में था, यूं ही इसे दाऊदवुड कराचीवुड नहीं कहा जा सकता। किस तरह से बॉलीवुड में एंट्री थी और किस तरह से पाकिस्तान के नालायक नल्ले टाइप के लोग यहां अहमियत पाते थे, और जबकि भारत का अपमान ये सिर्फ पाकिस्तान, मतलब जो इस देश के फिल्मों में हिंदुओं का जो अपमान होता था, आप देखेंगे ज्यादातर खलनायक क्या होता था, लंबा टीका लगाता था, वो दाढ़ी रखा लंबा टीका लगाया, और बहुत अच्छा व्यवहार करने वाला व्यक्ति दाढ़ी रखा हुआ मुसलमान है, संत प्रवृत्ति का मौलाना है, या फिर वो एक सिस्टर हुआ करती थी जो रामायण में खलनायिका बनी हुई थी, मंथरा बनी हुई थी, वो अक्सर किसी फिल्म में सिस्टर बनती थी, तो वो एकदम बिल्कुल क्रॉस लगा करके रखती थी, मतलब वो बड़ा सादगी वाली होती थी। हर क्रिमिनल ज्यादातर टिक्का लगाता था, लेकिन सच क्या था, जितने आतंकवादी हैं वो छोटे पैजामा बड़े कुर्ता वाला गैंग के होते थे, लेकिन बॉलीवुड में ऐसा होता था। आज जो आपने कुछ चीजें साझा की है, ये चीजें नैरेटिव पाकिस्तान से आया, मतलब आपके देश के खिलाफ जो सनातन हिंदुओं के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा था वो पाकिस्तान की तरफ। जी रुक, समझा दू मनीष जी दर्शकों को, जो भी मनीष जी ने कहा, तो ये हिंदू हम लोग तो हमेशा मनीष जी उसको बार बार दोहराते हैं, मैं अक्सर बात करता हूँ उसकी, तो ये जो अभी आप सुनेंगे, और ये कोई छोटा मोटा पाकिस्तानी नहीं कह रहा, कोई आम रास्ता चलता पाकिस्तानी नहीं कह रहा, पाकिस्तान की ऑल टाइम बेस्ट एक्ट्रेस में से एक है बुशरा अंसारी, और उनको सितारा इम्तियाज, जैसे हमारे यहाँ सितारा इम्तियाज पाकिस्तान में वही हैसियत रखता है नंबर तीन पे, जैसे हमारे यहाँ नंबर तीन पे पद्म भूषण होता है, वो उनको मिल चुका है, और दुनिया भर के अवार्ड वगैरह, तो बड़ी प्रतिष्ठित वो अभिनेत्री हैं, और वो जो कुछ बता रही हैं, तो वो बता तो वो कहते पाकिस्तान की फिल्मों के बारे में नहीं है, पाकिस्तान की फिल्म का कल्चर बता रही हैं, एक तरह से आलोचना कर रही हैं, लेकिन आप जब सुनिएगा तो आपको लगेगा
ये तो ये बॉलीवुड की बात कर रही है, तो वो जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री को कोस रही है वो महिला, तो वो केवल वो उसका कोसना ये बता रहा कि ये जो कुछ होता रहा हमारे यहाँ बॉलीवुड में, ये संयोग नहीं होता था, ये अचानक नहीं होता था, ये बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत होता था। अब और उसके अलावा फिर एक दूसरा वीडियो दिखाएंगे, उससे पहले फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। जरा मनीष जी पहला दिखा दीजिए कि क्या कह रही है वो, दर्शक सुनेंगे आप स्तब्ध रह जाएंगे कि पाकिस्तान की एक महिला जो बात कह रही है, आपको लगेगा कि वो बॉलीवुड की फिल्मों का हाल सुना रही है। शुरू सुनाइएगा मनीष जी। लेकिन अगर आप पिछले 30 साल से भी देखें, 40 साल से भी देखें, हमारे गुलाम अली साहब, हमारे नुसरत नहीं फतेह अली ये नहीं खान मनीष जी, साहब ने वहाँ दूसरा क्या वाला, दूसरा 25 साल वाला से हुकूमत की हुई है, जहाँ दूसरा। हाँ ये आप हमारी फिल्में देखें, अगर पिछले 50 साल की देखें, उसमें अगर कोई इंडिया पाकिस्तान की किसी इशू पे फिल्में बनी हैं, मुझे इतनी याद नहीं, तो कोई कश्मीर पे बनी है तो हिंदू ख़राब दिखाया हमने, तो सिख को हमने हमेशा लूटने वाला बनाया है, जबकि हर इंसान सब जगह बुरे अच्छे हैं, मुसलमान भी बहुत खौफनाक काम करते हैं यहाँ भी और वहाँ भी, इंसान इंसान हर जगह पे गलती करते हैं। तो हमारी फिल्मों में अगर हमने 36 फिल्मों में से 22 फिल्में बनाई हैं किसी पेट्रियोटिज्म पे या किसी इशू पे, उसमें हमने हिंदू को सुरमा लगा के और वो लगा के तिलक बुरा ही दिखाया है, और हमने सिख को हमेशा लूटने वाला बनाया है। सो ये सब जगह हमें अपने ऊपर भी काम करना है, बिकॉज दिस इज़ आर फ्यूचर, दिस प्लेस रिलेट्स टू अस, हमारे फ्यूचर, हमारे अगली जनरेशन के लिए हमें इस पर काम करना है। एथिक्स ऑफ दिस वर्क, जिसमें ये टैलेंट आता है या ये जो क्रिएटिव थिंग्स हैं, बेसिक एथिक्स ये हैं, वो हमारे यहाँ उनकी एजुकेशन ही नहीं थी, जिसकी वजह से हमारे दिमागों में ये जनरोसिटी ना आ सकी कि हम किसी गरीब को तो खाना खिला देंगे, मगर हम ज़रा क्रिश्चियन और हिंदू को आगे नहीं आने देंगे, म्यूज़िक में, एक्टिंग में, स्टार नहीं बनने देंगे। ये बेसिक एक मोटा मोटा मेरे ख्याल में मेरा तज़िया, और मैं बहुत कई दफ़ा पहले भी कहती थी, हमारे आतिफ असलम को कहाँ से कहाँ उन्होंने पहुँचाया, वो बड़ा टैलेंटेड है माशाल्लाह, लेकिन ना माने तो उनकी मर्ज़ी। नुसरत फ़तेह अली खान साहब का नाम लेने से पहले वो 10 दफ़ा सजदा करते हैं। मैंने खुद एक शो किया था लॉन्ग टाइम बैक विद अन्नू कपूर, तो उस दिन ट्रिब्यूट था गुलाम अली साहब का, बॉडी सी तस्वीर लगी हुई थी सबकी, नाजिया की भी थी, सब नाजिया को देखे उन्होंने, बच्ची थी छोटी सी, कैसे उठाया, तो गुलाम अली साहब की तस्वीर को उसने पहले सजदा किया। हम तो नहीं करते, हम तो वैसे उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो वो सिंगर आ भी नहीं सकते गाने के लिए। ये लग रहा है जैसे कि हमारे ही देश की कहानी सुना रही है सर। अब मनीष जी जरा सुन लीजिए कि ये तो जो उसने बताया हो कि फिल्मों में किस तरह से हिंदुओं सिखों को दिखाते हैं पाकिस्तान में, तो वही हालत तो बॉलीवुड में है, बिल्कुल डिट्टो जैसे कार्बन कॉपी समझिए उस वो बॉलीवुड के हाल सुना रही है। दूसरा मनीष जी एक चीज आपने गौर देखी, दर्शकों ने अगर गौर की हो कि दो बातें उसने कही, वो सजदा करते हैं गुलाम अली खान साहब को, हम तो नहीं करते, यानी ये पाकिस्तानियों से ज्यादा उनके आरती उतारने में जुटे हुए थे बॉलीवुड के लोग। और उसने कैसे बताया कि वो गुलाम अली की जो स्टैचू लगी थी, फोटो लगी थी, उसके सामने उन्होंने सजदा किया नुसरत फतेह अली खान साहब के ऊपर, कैसे दीवाने, वो अपने वीडियो में बहुत स्पष्ट बता रही है ये गुलामी बॉलीवुड किस तरह से करता रहा था और हिंदुओं और सिखों को कैसा दिखाता है, ये आपने सुन लिया। तो ये जो कुछ चरित्र है अभी जो पिछला, अब मनीष जी दूसरा वीडियो दिखा दीजिए नहीं तो सर, इससे आप ये समझने की और जरूरत है अभी सर कि किस तरह से बॉलीवुड में इस पिछले 3 दशक में इस खान बंधुओं को लाया गया। किसी ऐसे आदमी को इंट्री, जब सुशांत सिंह राजपूत जैसे लोग आए, या फिर वो मैं भूल रहा हूँ नाम, जो लगातार वो हिंदू धर्मों पे जो कहानी, जिनको जूस वाले, जिनको मरवा दिया इन लोगों ने, इन सबको कैसे, इस एकाएक ऐसा क्या हुआ कि शाहरुख खान, सलमान खान, सैफ अली खान, आमिर खान, इसके अलावा कोई इतने बड़े देश हिंदू राष्ट्र में एक भी हिंदू नायक नहीं बन पाया। तो ये साफ वो बता रहे कि जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं को हम भिखमंगे को खाना खिला देंगे, लेकिन किसी हिंदू को नहीं बढ़ने देंगे। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो पाकिस्तान की कहानी नहीं सुना रही है, बॉलीवुड की कहानी सुना रही है। फिर वो कह रही कि टिक्का नहीं लगाए हुए, हम लोग जो लगातार बात करते हैं, हमेशा हमारे फिल्मों में पंडित जी को, भारत में पुजारियों को बहसी दिखाया गया, बनिया को बेईमान दिखाया गया, ठाकुरों को खलनायक दिखाया गया, लेकिन एक मुसलमान को हमेशा सात्विक दिखाया गया, जबकि एकदम से ये उलट होता है। जितने ब्लास्ट करने वाले लोग हैं, जितने भी आतंकी गतिविधि में रहने वाले लोग हैं, ये साफ लग रहा है कि ये कंट्रोल बॉलीवुड पे भी पाकिस्तान से हो रहा था। अब मनीष जी जरा आप छेड़ दिया तो बता दूं कि जैसे वो कह रहे रोशन नुसरत फतेह अली खान को कैसा बिल्कुल भगवान की तरह मानते हैं,
नुसरत फतेह अली खान ने जितने दिन यहाँ के उसने रकम कर चीरी के किस तरह से उसको भगवान का दर्जा दिए हुए थे ये बॉलीवुड के भाण, उसके क्या कंट्रीब्यूशन है और उसको किसकी कीमत पर, जैसे जैसे अभी मनीष जी ने कहा कि बुशरा अंसारी ने याद दिलाया कि हिंदुओं को आगे नहीं याद आने देते हमारे यहाँ, वो काम हिंदुस्तान में हो रहा था। एक नाम मैं बताता हूँ कि जिस आदमी ने कम से कम 25, उस पर हम लोग एक एपिसोड कर चुके हैं, आज दोबारा याद दिलाता हूँ, 25 उसने गोल्डन जुबली सिल्वर जुबली फिल्में दी और उन फिल्मों के हिट होने में उनके म्यूजिक का सबसे बड़ा हाथ था। नाम बताता हूँ, रविंद्र जैन। और जरा फिल्में याद करिए, अखियों के झरोके से गीत गाता चल, चोर मचाए शोर, सुपर हिट फिल्म है। और उनका पूरे रामायण सीरियल का उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है। और एक गाना जो हम कथा सुनाते हैं राम राम सकल गुणगान की, वो यूट्यूब पे 25 करोड़ लोग देख चुके हैं, 25 करोड़ लोग। ये उनकी लोकप्रियता, ये उनके संगीत का जादू था। और उस संग ये आपको ताजुब होगा कि जैसे ही रामायण सीरियल खत्म हुआ, रविंद्र जैन को बॉलीवुड में काम मिलना बंद हो गया। उनको बाद में एकदम उनके अंत समय में बड़ी मुश्किल से सी डी ग्रेड की जो फिल्में थी उसमें उनको काम मिला, अन्यथा बॉलीवुड ने उनका ब्लैकआउट कर दिया था। तो वो जो आज बुशरा अंसारी की, जो मैंने अभी मुश्किल से मनीष जी 8-10 दिन पहले इसने इंटरव्यू दिया है, देखा मैंने पूरा सुना तो मैं चौंक गया कि ये तो, और सबसे खास बात ये इतना मरे जा रहे थे पाकिस्तानी कलाकारों के लिए, लड़ने मरने पे आमादा थे, इनको नहीं दिखाई देता था कि हमारे हिंदुओं के साथ वहां पे पाकिस्तान में क्या व्यवहार हो रहा है। उसके बावजूद ये गुलाम अली और नुसरत फतेह अली खान और आतिफ आलम जो नाम बता रही, उनके चरणों में लेटे रहते थे। ये किसके बिके हुए थे, बॉलीवुड के दलाल, ये हिंदू विरोधी, पाकिस्तान परस्त, मुसलमान परस्त, ये दलाल किसके लिए उनकी चरण चाट रहे थे? क्या इनको नुसरत फतेह अली खान जैसा कोई दूसरा हिंदुस्तान में मिला नहीं? वो मोटा जो था 250-300 किलो का सतपाल मलिक की देहदस्ती का, उसकी आवाज कहीं से किसी मतलब की नहीं है। और मैं नहीं कह रहा हूं, वो जो पाकिस्तान के सबसे बड़े पत्रकार हैं और जिनका वो क्लास फेलो रहा है नुसरत फतेह अली खान, उनका नाम है हसन निसार। हसन निसार का इंटरव्यू ढूंढ कर पढ़ लीजिएगा कि कहें कक्षा 8 में हम लोग साथ पढ़ते थे, मैं जब उनके घर जाता था तो वो पूरा गाने बजाने वालों का घर था, तो कहे उसके चाचा और उसके बाप नुसरत फतेह अली खान के, तो कहे वो इस बात पर मातम करते थे कि यार ये गवैया नहीं हो पाएगा, इसकी आवाज नहीं, इसका गला ठीक नहीं है। तो जिसके घर बाप उसको कहते थे कि गाने लायक नहीं है, उसको हिंदुस्तान लेके अपनी खोपड़ी भी ना चाह, ये बॉलीवुड के भाण, बॉलीवुड के भाण नहीं, हिंदू द्रोही भाण, पाकिस्तान परस्त भाण। और सबसे खास बात जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है मनीष जी, जो कुछ वो बुशरा अंसारी 40 साल का पाकिस्तान का माहौल बता रही है, इनको कभी शर्म नहीं आई, इनको कभी देश प्रेम नहीं जागा इन बॉलीवुड के भड़ुओं को कि हमारे देश के साथ ये, हमारे हिंदुओं के साथ ये आचरण होता, ये उनका उनकी रीति नीति है। और वो 40 साल का इतिहास बता रही है, इनको कभी नहीं लगा कि अगर हिंदुस्तान के साथ हिंदुओं के साथ ऐसा काम होता है तो हम पाकिस्तान का बायकॉट यहाँ पर करेंगे। आप याद करिए कि कैसे इन्होंने यहाँ पर लड़ाई लड़ी कि नहीं नहीं पाकिस्तान के, हमको पाकिस्तान के तलुए चाटने दो, हमको पाकिस्तान का पेशाब पीने दो, और उसके लिए होड़ लगी थी बंबई के बॉलीवुड में। तो वो जो और वो कैसे बदला है, जब अभी आप बुशरा अंसारी का वो दूसरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ, जो कहते हैं ना कि मोदी ने क्या किया, तो अब जरा मनीष जी दूसरा वीडियो सुना दीजिए, उसका बदौलत आज ये स्थिति बदली है, नहीं तो ये उसी तरह से पाकिस्तान के पैर ये चाटते रहते, उसका पेशाब पीते रहते। लेकिन अगर आप पिछले 30 साल से भी देखें, 40 साल से भी देखें, हमारे गुलाम अली साहब, हमारे नुसरत फतेह अली खान साहब ने वहाँ क्या 25 साल से हुकूमत की हुई है, जाने के बाद भी की हुई है, हमारे अली हैदर से लेकर, सज्जाद अली से लेकर, जुनून से लेकर, हमारे ये बच्चे जो हमारी अगली जनरेशन है, मैडम नूर जहाँ, गुलाम अली, मतलब बेशुमार लोग जो इंडिया, मेहदी साहब तो खैर उनके भगवान की जगह ही थे तकरीबन, तो उसमें मैं सिर्फ एक बात ज़रूर कहूँगी कि उनकी पूरी जो कौम है या उनके यहाँ जो एक फ़िज़ा थी उसमें एक जनरोसिटी का लफ्ज़ ही मुझे बार बार मिलता है, शायद वो डिलेबरेट ना भी हो तो वहाँ एक ऐसी फ़िज़ा थी जिसके अंदर ये चीज़ें नहीं थी। अब तो ये खौफनाक जगह पहुँच गया इंडिया भी। एथिक्स ऑफ दिस वर्क जिसमें ये टैलेंट आता है या ये जो क्रिएटिव थिंग्स हैं, बेसिक एथिक्स ये हैं
वो हमारे यहाँ उनकी एजुकेशन ही नहीं थी, जिसकी वजह से हमारे दिमागों में ये जनरोसिटी ना आ सकी कि हम किसी गरीब को तो खाना खिला देंगे मगर हम ज़रा क्रिश्चियन और हिंदू को आगे नहीं आने देंगे, म्यूज़िक में, एक्टिंग में स्टार नहीं बनने देंगे। ये बेसिक एक मोटा मोटा मेरे ख्याल में मेरा तज़िया, और मैं बहुत कई दफ़ा पहले भी कहती थी हमारे आतिफ असलम को कहाँ से कहाँ उन्होंने पहुँचाया, वो बड़ा टैलेंटेड है माशाल्लाह, लेकिन ना माने तो उनकी मर्ज़ी। नुसरत फ़तेह अली खान साहब का नाम लेने से पहले वो 10 दफ़ा सजदा करते हैं। मैंने खुद एक शो किया था लॉन्ग टाइम बैक विद अन्नू कपूर, तो उस दिन ट्रिब्यूट था गुलाम अली साहब का, बॉडी से तस्वीर लगी हुई थी सबकी, नाजिया की भी थी, सब नाजिया को देखे उन्होंने, बच्ची थी छोटी सी कैसे उठाया, तो गुलाम अली साहब की तस्वीर को उसने पहले सजदा किया। हम तो नहीं करते, हम तो वैसे उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन मतलब अब हमारी फिल्में देखिए अगर पिछले 50 साल की देखिए उसमें अगर कोई कह रही है कि गुलाम अली और नुसरत फतेह अली खान ने 25 साल हुकूमत की, वो ये नहीं कह रही कि उसने बंबई में काम किया, उसने कहा हम लोगों ने हुकूमत की, तो वो गुलाम अली और फतेह नुसरत फतेह अली खान की हुकूमत नहीं, वो दाऊद इब्राहिम की हुकूमत चल रही थी बॉलीवुड के ऊपर। और वो क्योंकि बहुत लंबा इंटरव्यू मेरे ख्याल से वो हिस्सा मुझसे रह गया, उसमें इसने बहुत साफ कहा है कि 2014 तक ऐसा ही चलता रहा, मोदी के आने के बाद सब बदल गया, ये इसने खुद अपने इस इंटरव्यू में कहा है मोदी के आने से सब बदल गया। जरा शब्द गौर करिए, मैं इसका कि ये हुकूमत कर रहे थे बॉलीवुड के ऊपर, क्यों? बॉलीवुड का गुलाम था, लौंडी था, बांदी था, कौन था? तो ये दाऊद इब्राहिम का बंधक था, दाऊद इब्राहिम का चपरासी था, दाऊद इब्राहिम के बर्तन धोने वाला, उसका कमोड धोने वाला था ये बॉलीवुड। और ये जिस हमारे यहाँ के लोगों को खत्म किया गया और पाकिस्तानियों को कैसे, उसने बताया कि कैसे पूरी उसने खेप बनाई है, तो पाकिस्तानी जो एक तरह से एक्ट्रेस वहां की बड़ी स्टार, उसने इनकी कलाई खोली है कि किस तरह से गुलामी करते थे, और इनको कभी इस बात पर शर्म नहीं आई कि 40 साल से हिंदुस्तानियों के साथ, हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ये आंखें बंद किए अंधे बने रहे और ये पाकिस्तान के चरणों में लुटते रहे उनके कलाकारों के वो बाण। मनीष जी, मुझे आज तक वो समझ ही नहीं आया, वो जो मोटा है 250-300 किलो का, ना उसका गला सुरीला, ना उसका अंदाज सुरीला, वो खाली और उसकी एक ही कव्वाली बड़ी मशहूर है, उसका लौंडा यहाँ पे $1,00,000 के अवैध डॉलर के साथ पकड़ा गया। तो ये सब कुकर मुँह यहाँ के करते थे, लेकिन ये हमेशा दीवाने रहे और अब भी ये कुछ ना कुछ कुछ। और एक प्रकरण इससे थोड़ा इसी से जुड़ा हुआ थोड़ा अलग हटके सुना दूं कि अगर आपको ध्यान हो, मैं एक बार पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि ये बात इन पाकिस्तानियों की बॉलीवुड पर और हमारी व्यवस्था पर, हमारी पूरे मीडिया पर कितनी गहरी पकड़ थी कि अर्णव गोस्वामी ने जब टाइम्स नाउ छोड़ा था तो वो झगड़ा सिर्फ इसी बात पे था जो उस समय चर्चा थी पूरे मीडिया सर्किल में कि पाकिस्तानी कलाकारों का विरोध शुरू हुआ था 26/11 हमले के बाद, और उसमें अर्णव गोस्वामी खुलकर उनके खिलाफ बोल रहा था। टाइम्स नाउ के जो विनीत जैन है वो फिल्म निर्माण भी करते हैं, तो वो एक प्रेशर बना कि इनके खिलाफ बोलना बंद करो, बॉलीवुड के खिलाफ बोलना बंद करो। अर्णव नहीं माना, वो इतना ज्यादा टकराव बढ़ता गया कि बाद में अर्णव गोस्वामी को टाइम्स नाउ छोड़ना पड़ा था। यह चर्चा खूब थी दिल्ली से लेकर पूरे देश में। तो ये स्थिति थी कि 26/11 के हमले के बाद भी ये करण जौहर, ये सलमान खान, ये सब शाहरुख खान, ये सब मरे जा रहे थे कि किसी तरह से पाकिस्तानी कलाकारों को हिंदुस्तान में आके नाटक नौटंकी करने की छूट दी जाए, और उसमें हमारे मीडिया हाउस भी लगे हुए थे। और कांग्रेस की सरकार तो खैर उसके बारे में कहने के हो तो साल दो साल में जब भी मौका पाता तो जाके वो मणिशंकर अय्यर उसके तलुए चाटता है। तो ये जो देश था वो 2014 के बाद बदला है, और उसके ईश्वर को धन्यवाद दीजिए और प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दीजिए इसके लिए। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि ये विश्लेषण उन्होंने शुरुआत में ही करनी चाहिए थी। ये इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है, इसी को कहते हैं ना नैरेटिव, किस तरह से साजिश हुआ। इस देश का विभाजन हिंदू मुसलमान के नाम पे हुआ, पाकिस्तान में उनके साथ उन्हें भगा करके, अत्याचार करके, और तब देखिए क्या CAA के लिए क्या कुछ हो रहा है। वो खुद कह रही है कि हमने सुरमा लगाए हुए खलनायक, तो वैसा ही तो खलनायक यहाँ पे भी हुआ करता था, कुछ भी फर्क नहीं था। और किस तरह से बार बार समझिए सलीम जावेद की जोड़ी का महिमा मंडन हुआ, और ये जो बौना है शाहरुख खान, ये जो हकला है, ये वहां जाकर कहता था कि मेरे बाप का देश है, मेरा बाप यहाँ का था। तो ये कैसे कैसे नैरेटिव गढ़े गए, कितना बड़ा षड्यंत्र होता रहा, इस देश पर ये देश समझ ही नहीं पाया।
यूं ही नहीं अमिताभ बच्चन हम लोग बार बार कहते हैं कि मां मैं मंदिर नहीं जाऊंगा मां, और फिर वही अमिताभ बच्चन 776 नंबर का बिल्ला पहन लेता था और उसके बाद दूसरे ढंग का खेल करता था। नहीं मनीष जी, वो अभी भी कुकर्म कैसे चल रहा है। अभी जो मनीष जी ने सावरकर फिल्म की बात की, तो मैं जो एक निगाह मेरी ट्विटर पर पड़ी, तो वहां पे एक एजेंडा चल रहा है जो तथाकथित समीक्षक और इसके स्टार देते हैं फिल्मों को, उसकी रिपोर्ट देते हैं ट्वीट पे। तो वहां मैं पढ़ा, जब मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ी निराशा हुई कि सावरकर को पहले दिन 17 लाख की कमाई हुई और दूसरे दिन कुछ ऐसे 27-28 लाख रुपए की कमाई हुई है। मैंने जब अखबार में चेक किया तो पहले दिन उसने 1 करोड़ रुपए की कमाई की थी, दूसरे दिन उसकी 2 करोड़ से ज्यादा, 2.25 करोड़ की कमाई है। तो ये किस तरह से निगेटिव पब्लिसिटी करते हैं, जो राष्ट्रीय एजेंडा होता है उसका ताजा उदाहरण ये सावरकर वाली फिल्म है। बिल्कुल, और देखिए एक अच्छी बात कह रहे हैं कि ये विक्रम चहल जी एनआरआई साथी हमारे कह रहे हैं कि बॉलीवुड ने कभी 70 साल में छत्रपति शिवाजी पर कोई फिल्म नहीं बनाई। नहीं, विक्रम चहल जी को मैं स्पष्ट कर दूं कि बनी लेकिन किसी ने हिम्मत करके अगर बनाई भी तो उसकी इसी तरह से भ्रूण हत्या कर दी गई। तो ना तो उसका कोई प्रचार हुआ, ना उसकी कोई तारीफ हुई, ना उसमें किसी बड़े कलाकार ने काम किया, ना उसके लिए कोई बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर था। लेकिन वो जो लंगड़ा था, वो जो अनपढ़ था, जो जो जिसके चेहरे पर घनघोर चेचक के दाग थे, इतिहासकार उसके समय के इतिहासकार चाटुकार लिख गए कि बड़ा बदसूरत था और सिवाय औरतबाजी करने कोई काम नहीं करता था, उसने मीना बाजार और हरम उसी ने बनवाया। इसमें उस अकबर के लिए जब मुगले आजम बनी तो उस लंगड़े खुथड़े कालिए अनपढ़ उस अकबर को रोल पृथ्वीराज कपूर को दिया गया कि क्या दिखाया गया कि मतलब आलीशान 6.5 फुट की पर्सनालिटी और क्या बोलता था वो उर्दू। तो ये इस तरह का एजेंडा चलता था जो आपने कहा था। नहीं, छत्रपति शिवाजी पे भी पिक्चर बनी है लेकिन वो कब बनी, कहाँ बनी, किसने बनाई, कहाँ कब आई, कब चली गई, इसका कोई पता नहीं चला। लेकिन जो अकबर पे पिक्चर बनती थी तो वो मुगले आजम बनी और उस मुगले आजम ऐसी बनाई गई कि वो जो वामपंथी जो बड़ुए बाण दलाल हैं ये आज भी उसका गाना, उसका ढोल आज भी पीटा करते हैं, उसका जिंदाबाद करते हैं। और वो मैं भूल गया, नहीं तो किसी दिन निकाल के रखूंगा कि उस पर जो वही हसन निसार, मैं पाकिस्तान का उदाहरण दूंगा, उसने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये तुम्हारे जैसे मूर्ख और वो हिंदुस्तानी मूर्ख जो मुगले आजम पिक्चर बना देते तो हम लोग हमेशा मुगल को वैसे ही समझते हैं जैसा हमने पृथ्वीराज कपूर के आलीशान पर्सनालिटी देखी थी, जबकि कहानी कुछ और है। तो वो पाकिस्तानी जानते हैं लेकिन हमारे यहाँ के जो भाण पत्रकार थे वो आज भी ऐसा नाचते हैं मुगले आजम के नाम पे, तो नाचते नहीं है, उनको एजेंडे के लिए पैसा मिलता है, ऐसा नहीं मूर्ख है, तो पैसा मिलता है उनको प्रमोट करने का कि उस लंगड़े खुतड़े काने अनपढ़ गंवार अकबर को बहुत महान बनाकर, क्योंकि इन्होंने पढ़ाया अकबर महान, अकबर द ग्रेट, अंग्रेजी में अकबर द ग्रेट और अकबर महान, जबकि उसकी असलियत पड़ी है जो उसी के किसी और के कहे सुने नहीं, जो उसी के समय के इतिहासकार जो चाटुकार उसके साथ रहते थे उन्होंने उसकी जो पर्सनालिटी लिखी कि लंगड़ा भी था खुचरा भी था, उसके चेहरे पे भयंकर चेचक के दाग थे, काला भी था और अनपढ़ गंवार तो था ही था, मगर उसको उसके लिए जो पिक्चर बनी तो मुगले आजम ऐसी बनी। तो ये एक साजिश है, यही साजिश तक होती रही, यही चलती रही। अब देखिए विलक मुकुल कह रहे हैं कि दिलीप कुमार के पास, मैं मनीष जी चहल जी से कहूंगा कि कनाडा में मेरे ख्याल से थोड़ा संपन्न भी होंगे कि छत्रपति शिवाजी के बारे में तो फिर भी देश जानता है। एक पर्सनालिटी ऐसी है, एक दो व्यक्ति है, दोनों जुड़ी हुई, जो पिक्चर बनेगी तो दोनों पे ही बनेगी। आप लोग कोई विदेश में इसकी प्रयास करिए कि राजा रंजीत सिंह और हरि सिंह नलवा, जिन्होंने जिनके लिए बड़े गाने गाए, बड़े बहादुर पठान और बड़े बहादुर मुगल, उन्होंने मार के मारना शुरू किया तो काबुल तक दौड़ा दौड़ा के मारा, वो हरि सिंह नलवा इतिहास है अपने आप में उनका, लेकिन उन पर पिक्चर कभी नहीं बनी, उनकी कोई जिक्र उनके लिए, ये वामपंथी भाण पत्रकार ये कभी हरि सिंह नलवा या रंजीत सिंह के गाने ये कभी नहीं गाते, ये वही लंगड़े खुतड़े अनपढ़ गवार अकबर को लेके लादे लादे घूमते हैं। तो चाल जी क्योंकि विदेश में, हम लोग का तो उतना कोई संबंध नहीं है, कोई ऐसा आदमी मिले तो वो सब्जेक्ट दीजिए, वार फिल्म है, पीरियड फिल्म है, गजब की बनेगी हरि सिंह नलवा और रणजीत सिंह पे जब बनेगी पिक्चर तो बननी चाहिए। क्या किस कैसे सच कैसे नायक बनाया गया दिलीप कुमार, मतलब यूसुफ खान अपना आप उस समय में चूंकि नफरत थी मुसलमानों को लेकर के विभाजन कारण अपना नाम इसने दिलीप कुमार रख लिया,
लेकिन बना रहा अंदर यूसुफ खान ही और नैरेटिव वही चलाता रहा। दिलीप कुमार के पास नेहरू के समय पाकिस्तान से संपर्क करने वाला वॉकी टॉकी मिला था, उसका नाम एक जासूस की डायरी में मिला था, ये खूब चर्चा में हुआ। ये मुकुल जी ये बात मैंने ही ब्रेक की थी, मेरे उस पर कुछ लोगों ने वीडियो बनाया, कुछ लोगों ने नाम दिया है, किसने नहीं दिया है, और मेरे फेसबुक पे भी हम लोगों ने मनीष जी पे इस पर पूरा शो किया है, किसी दिन फिर करेंगे या उसी शो को दोबारा डाला जाएगा, देखिएगा आप उसको। कह रहे हैं कि सोनू निगम पार्क में शो करने गया, उसके स्टेज के पास बम फटा, उसके बाद उसका पोलियो पालियों से मोह भंग हो गया। मुसरा ने इसकी चर्चा की है, की है कि उसको एक फटाका फूट गया तो सोनू निगम भाग गया। कैसे कैसे ये खलनायक बना, मतलब जो खलनायक सही मायने में थे उनको नायक बनाया गया, जो बम ब्लास्ट करते थे उसको सात्विक बनाया गया, और सनातनियों को, पुजारियों को, मंदिर के पुजारियों को बलात्कारी, हर बनिया को हिंदी फिल्मों में मतलब बेईमान बताया गया, हम लोग ये मान लिए। और ये 70-80 के मतलब ये 60 के दशक में भी देखिए कि उस समय जो एक बनिया हो लाला 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 करके बुलाते थे, जब 60-70 के फिल्मों को देखिए तो उसको भी वैसे ही सूदखोर बेईमान धूर्त दिखाया गया। यही षड्यंत्र था सनातन के खिलाफ, ये बॉलीवुड ने पारंपरिक रूप से इस चीज को जारी रखा था। नई फिल्म योद्धा पाक को कश्मीर की समस्या के लिए जिम्मेदार ना दिखाकर कश्मीरी आतंकवादियों को अलग करके दिखाया सेंसर बोर्ड पर, इससे प्रश्न उठता है। बॉलीवुड ने कभी 70 साल में, अच्छा ये तो हम लोगों ने उठा लिया था। एक और सुपर चैट का सवाल है शायद। गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इन पाकिस्तानियों ने कभी किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, लता जी को कलाकार नहीं मानते थे। बॉलीवुड ने रविंद्र जैन जी, राज कमल जी, यशुदास जी और हेमलता जी जैसों को का जीवन बर्बाद कर दिया। बिल्कुल, अभी तो लगातार रविंद्र जैन जी पर तो सतीश जी ने बहुत लंबे समय तक किया है। नीरज यादव जी कह रहे हैं कि हिंदू समाज इतना एजुकेटेड होने के बाद भी कांग्रेस की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को क्यों नहीं समझा। ये अब धीरे धीरे चलिए, अब ये इस चीज को समझा जा रहा है कि अंग्रेजों ने उनको जो दिया उसी चीज से वो चीजें अब तक बरकरार है। और अभी तभी यदि समझ है, मुझे तो लगता है कि 24 में जो लोग कहते हैं कि 24 सीट, इन सब चीजों को समझने के बाद ये सब, इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है। हमेशा हम लोग कहते हैं कि सरकार, मैं बार बार कहता हूं कि कोई कुछ भी कह ले कि ईडी सरकार, ईडी और सीबीआई जिसकी सरकार होती है उसके हिसाब से उन एजेंसियों को चलना पड़ता है और चलना ही पड़ेगा, क्योंकि इस डेमोक्रेसी में सच को स्वीकार करना पड़ेगा। जनता ने वोट क्यों दिया है, इन माफियाओं को कब्र करो। हाँ, लेकिन उसके लिए अदालतें हैं। अब इस बात को सोचिए ना कि मुख्तार अंसारी, अतीक अहमदों का क्राइम इतना बड़ा था, सरकारें उनकी थी, इसीलिए तो अदालत काम नहीं करती थी। अदालत तो वही थी ना, वही जज साहब भाग जाते थे मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के मामले को सुनने के लिए। ये जज साहब लोग जब ज्ञान देते तो उनको समझना चाहिए कि जब सरकार ऐसी होती है कि माफियाओं का दबदबा नहीं चल पाता है तो न्यायपालिका भी सुचारू ढंग से चल पाती है। तो आज यदि इस तरह से चीजें हो रही है, यदि गलत ढंग से, मैं तो कहता हूं कि यदि केजरीवाल को यदि आप गलत तरीके से फंसाएंगे तो चुनाव होना है वो बैक बाउंस कर जाएगा। इसका मतलब है कि एजेंसी के पास पुख्ता सबूत है, जो उसने कोर्ट में कहा है कि मैं नहीं, मेरी फाइल बोलेगी, और फाइल इस तरह से चीख के बोल रही है कि केजरीवाल का एक भी गुर्गा 1.5-2 साल से जमानत नहीं पा पा रहा है। सर, अदालत में क्या कुछ खेल होता था, कल आप चर्चा कर रहे थे, किस तरह से हमने देखा, हमने पीछे भी जिक्र किया तिस्ता सी तलवार, गुजरात हाईकोर्ट ने कहा अरेस्ट करो, 4 बजे शाम में आदेश दिया गुजरात हाईकोर्ट ने, इसको अरेस्ट करो। 6 बजे हमारे मिलॉर्ड लोग, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समेत सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज, एक जज साहब की बिटिया का नृत्यांगना है उसका नृत्य देख रहे थे, तिस्ता सी तलवार को राहत देने के लिए। गर्मी की छुट्टी में शनिवार की शाम में 2 जजों की बेंच बटी, उनमें टकराहट हो गया, फिर 3 जजों की बेंच बनी। हमने इसकी विस्तृत विश्लेषण किया है, तिस्ता सी तलवार का दादा कौन था, परदादा कौन था। परदादा जो है वो जालियांवाला मामले में, उस मामले का जूरी था। उसका दादा जो है भारत का अब तक इतिहास का सबसे लंबा समय तक रहने वाला अटॉर्नी जनरल है, इसका मतलब उसने कई जज पैदा किए होंगे। ये तिस्ता की पकड़ है कांग्रेस में, और लंबे समय तक किस तरह से जुडिशियरी पर कब्जा रहा, और आज भी है। अभिषेक मनु सिंघवी का वीडियो वायरल हुआ था, अपने जांग पे बैठा करके एक महिला को उसने कहा था कि हम तुम्हें जज बनाएंगे। सोचिए ऐसे ऐसे लोग यदि वकील हैं तो कितने जज बनाए होंगे, पूरे जुडिशियरी पर कैसे इनका कब्जा था, जरा इसको समझाइए सर अपने ढंग से।
नहीं, आजकल एक बड़ा भूत सवार हुआ है कांग्रेस को और पूरे इंडी गैंग को, और ये तथाकथित मीडिया जो है शाम को बैठ जाते हैं जो 5 से 9 वाले, कि नरेंद्र मोदी पूरा जुडिशरी पे कब्जा की ले रहे हैं और एजेंसियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। एजेंसियां उनकी तोता मैना क्या क्या बताते हैं कि जैसा चाहते हैं वैसा ईडी सीबीआई करती है। तो मोदी ने सब सारी संवैधानिक संस्थाओं को खरीद लिया और सब पे दबाव बना दिया है बहुत बुरी तरीके से। अब मोदी ने क्या किया है तो दुनिया देख रही है। जरा इनको याद दिलाता हूँ मनीष जी कि ये क्या करते थे, और दो उदाहरण है। तो पहले तो मनीष जी जरा दर्शक समझ लें कि किस तरह से इनकी कलाई, कि कपिल सिब्बल की कलाई, भारत के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने एक बाकायदा टीवी प्रोग्राम में क्या बताया था कपिल कपिल सिब्बल का, वो कारनामा सुन लीजिए कि कांग्रेस कैसे कैसे हथकंडे अपनाती रही है जजों पर दबाव बनाने के लिए। उसके बाद फिर मैं दूसरे किस्से पे आऊंगा। जरा मनीष जी सुना दीजिए रंजन गोगोई का वो किस्सा जो खुद सुना Kapil रहे हैं। Sibal, as an individual, I would not like to comment. But I don't know whether I did the right thing or the wrong, and whether I'm facing the consequences today because of that. But after the press conference, he had come to my residence to seek the Supreme Court support for the impeachment motion against Deepak Mishra. I refused entry to him into the house. That's a huge revelation. He wanted the former Chief Justice to support him. At that time, you were a judge who was waiting in the wings to be elevated. I was not a Chief Justice. I was judge. Yes. I was judge, madam. I was judge number 3, and my residence was 10th January Marg. And Kapil Sibal, what did he tell you? That he didn't get an entry into the house. But in the evening, I got a message that he would be coming for this, and I said, "Don't let him come." Yet he came. And did he say this personally to you, that he wanted your support for the impeachment of Justice Deepak Mishra? I did not. He could not gain entry into my residence. How could he have told me personally? So then, how do you know this is what he wanted to say? Because in the evening there was a phone call saying that he would be coming to for this matter, and I told and I advised the person who called me that don't permit it. भारत के मुख्य न्यायाधीश जो तत्कालीन थे दीपक मिश्रा, उन पर किस तरह से दबाव बनाने का हथकंडा ये बना रहा था सिब्बल, तो किसके लिए सिब्बल का व्यक्तिगत क्या लेना देना, ये कांग्रेस का एजेंडा था कि किस तरह से दीपक मिश्रा पे दबाव बना और उसके लिए किस तरह से अन्य जजों का इस्तेमाल कर रहा था। तो रंजन गोगोई ने बहुत साफ कहा, और आज तक कभी इस पर जवाब नहीं दिया कपिल सिब्बल ने, कि मैंने इसको अपने घर में घुसने नहीं दिया, इसको मना कर दिया। उसके बाद ये जब शाम को आया तो मैंने लोगों ने बताया कि आया है इसके, तो मैंने कहा कि इसको गेट के बाहर से वापस कर दो, इसको इसको घर में घुसने मत देना। तो ये इस स्तर तक गिरकर जजों पे और सुप्रीम कोर्ट को सेट कैसे किया जाए, सुप्रीम कोर्ट जजों पे दबाव कैसे बनाया जाए, इसको जरा वो खेल समझिए जो कल मैंने अपने कार्यक्रम में बताया था कि किस तरह से 2G घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने वकील तय किया था। तो ये तो पहला रंजन गोगोई वाला मामला, और अब बताता हूँ मनीष जी की एजेंसी और सुप्रीम कोर्ट इसका दुरुपयोग कैसे किया जाता है, और उस दुरुपयोग की कैसे कीमत चुकाई जाती है। कांग्रेस का मुंह बड़ा काला है उसमें, और बिल्कुल ताजा ही बताऊंगा, कोई बहुत पुराना पुराना इतिहास तो कोयले की समझिए टोकरी है कांग्रेस का वो इतिहास। जरा दर्शक याद करें, 12 जनवरी 2010 को सुप्रीम कोर्ट एक आदेश करता है कि सोहराबुद्दीन आतंकवादी सोहराबुद्दीन के एनकाउंटर की जांच हो। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट करता है 12 जनवरी 2010 को, और आदेश करने वाले जज का नाम होता है जस्टिस आफताब आलम, वो आदमी इसको आदेश करता है। और कितनी जल्दी कार्रवाई होती है, यहाँ प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश हो गई, उस पर 7 महीने तक कुछ हुआ ही नहीं, 3 साल से किसान बिल पड़ा हुआ है, लेकिन 12 जनवरी को आदेश करता है और 6 जनवरी 2010 को सीबीआई पूरी जांच आज करके चार्जशीट दाखिल कर देती है 6 महीने के अंदर, और 25 जुलाई को अमित शाह को अरेस्ट कर लेती है। ये देखिए अभी 6-7 महीने के अंदर सारा काम हो गया, 25 जुलाई को अरेस्ट कर लेती है उसको जो अरेस्ट करता है सीबीआई का डायरेक्टर, उसका नाम होता अश्विनी कुमार, वो सीबीआई डायरेक्टर होता, उसी ने चार्जशीट दाखिल की थी, वही अरेस्ट करता है। और उसके बाद 29 अक्टूबर 2010 को
जमानत मिल जाती है, यानी जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तीन तीन महीने बाद अमित शाह को जमानत मिल जाती है 29 अक्टूबर 2010 को, और जैसे ही जमानत मिलती है 30 अक्टूबर 2010 को यानी दूसरे दिन एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट आदेश करता है अमित शाह को तड़ी पार करने का कि आप गुजरात में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यह आदेश कौन करता है? वही जस्टिस आफताब आलम करता है कि अब तुम गुजरात में प्रवेश नहीं कर सकते। ये आगे ये कहानी जहां खत्म होगी वो आपको आनंद आएगा कि 29-30 अक्टूबर को ये कर देते हैं। उसके बाद 2012 में केस की सुनवाई सोहराबुद्दीन एनकाउंटर के केस की सुनवाई 2012 में एक आदेश होता है फिर सुप्रीम कोर्ट से आफताब आलम करता है कि अब ये सोहराबुद्दीन के एनकाउंटर केस की सुनवाई गुजरात के बाहर होगी, कहीं और होगी, गुजरात में नहीं होगी। ये भी आफताब आलम करता है, लेकिन वो भी चली जाती बाहर, चलती है गुजरात के बाहर होती है, समझिए कांग्रेसी राज, वहां भी चलता है पूरी सुनवाई। लेकिन दिसंबर 2014 में अमित शाह बाइज्जत बरी हो जाते हैं क्योंकि कोर्ट के अंदर एक दो नहीं 92 गवाह, जरा सोचिए ये पूरा झूठ का पुलिंदा खड़ा किया था कि 92 गवाहों ने कहा कि हमको जबरदस्ती पकड़कर सीबीआई लाई और हमसे जबरदस्ती हमारे बयान दिलवाए गए, लिखवाए गए, हमारा इस केस से कोई लेना देना नहीं, ना हमको इसकी कोई जानकारी है, ये छोटे मोटे नहीं 92 गवाह। तो कैसे झूठ का एक पहाड़ खड़ा किया था और उस पहाड़ पे कैसा नाचा था वो आफताब आलम और कैसा नाचा था सीबीआई का डायरेक्टर अश्विनी कुमार इस कांग्रेसी शासन में, अब बताता हूँ क्यों नाचा था, उनको क्या कीमत दी थी। ये कांग्रेसी जो बड़ा ज्ञान बांटते हैं प्रधानमंत्री मोदी को कि अश्विनी कुमार जैसे ही रिटायर हुआ उसको गवर्नर बनाया कांग्रेस की सरकार ने, क्योंकि अश्विनी कुमार कौन था ये भी जान लीजिए। अश्विनी कुमार राजीव गांधी का बॉडीगार्ड एक तरह से थे, सोनिया गांधी के दरबार का एक तरह से नौकर की तरह था, और उस आईएएस अधिकारी को सोनिया गांधी के प्रेशर पर, क्योंकि सोनिया गांधी का एक तरह समझिए कि घरेलू वो था, उसे सीधे सीबीआई डायरेक्टर बनाया गया। आफताब आलम पटना के थे जज, नंबर टू जज थे, और गुजरात का हर मैटर आफताब आलम के कोर्ट में ही लगा करता था। उस समय मैं सुप्रीम कोर्ट का मैं रेगुलर रिपोर्टर था, तो ये पूरी कहानी जो है आप जो बता रहे हैं एकदम से आंखों के सामने से गुजर रही है। तो अश्विनी कुमार को गवर्नर क्योंकि उसने अमित शाह को गिरफ्तार करके चार्जशीट दाखिल की थी और 92 झूठे गवाहों का जुगाड़ किया था। इसके लिए कांग्रेस ने उस कुकर्मी को, उस पापी को, उस अपराधी अश्विनी कुमार को गवर्नर बना के सम्मानित और पुरस्कृत या कहिए घूस देने का काम कांग्रेस ने बड़ी बेशर्मी से किया था, जो आज ज्ञान दे रही है कि इसी ईडी का इस्तेमाल हो रहा, सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा। तो ये तो सीबीआई का चेहरा कि कितना काला में, अभी रंजीत सिन्हा की बड़ी कई बार सुनाई जा चुकी कहानियां, मैं नहीं सुना रहा, मैं अश्विनी कुमार का किस्सा बता रहा हूँ। और वो जो आफताब आलम था जो खूब नाचा उस झूठ के पहाड़ पे, ऐसा नाचा कि उसने कहा कि अब तो अमित शाह को गुजरात भी नहीं जाने देंगे, गुजरात से तड़ी, जो कांग्रेसी आज भी तड़ी पार करते हैं तो वो आफताब आलम की कृपा से करते हैं। और सोचिए कि पूरा झूठ का पुलिंदा जिसमें 92 झूठे गवाह, उस पर वो आफताब आलम ऐसा नाचा कि उसने कहा कि अमित शाह गुजरात नहीं जाएंगे और इसकी इस मुकदमे की सुनवाई गुजरात के बाहर होगी। तो उसने पूरे गुजरात के जजों को, मजिस्ट्रेटों को, सबको उसने बेईमान मान लिया, सबको बिका हुआ मान लिया, खुद वो बड़ा ईमानदार बना, उसने ये दो फैसले किए। उसका इनाम उसको क्या मिला? उसका जैसे ही वो रिटायर हुआ तो उसको नोटों के खदान पे ले जाके बैठा दिया था कांग्रेस ने। याद नहीं है क्या सोनिया गांधी को? याद नहीं है कि प्रियंका गांधी को? याद नहीं है? या वो जो टहल रहा है मजाक एक मणिपुर से बम्बई, अब तो खैर खत्म हो गया उसका मजाक, अब फिर आ गया दिल्ली में, आजकल दिल्ली में डोल रहा है। उसको मनीष जी टीडी सेट का चेयरमैन बनाया था, जरा उसका पूरा नाम तो मुझे भी मैंने नोट करके रखा है कि टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल, उसका वो चेयरमैन था। और ये जो बड़ी बड़ी अरबों खरबों की जो कंपनियों का विवाद आके फंसते हैं उनका फैसला वहां होता है, तो वो किसी से भी पूछ लीजिएगा, तो वो नोटों की वहां गंगा बहती थी कांग्रेस के शासनकाल में कि जाओ जैसे 2G लूट कांड हुआ था ऐसे वहां बैठ के टीडी सेट में लूटो। तो ये जो नरेंद्र मोदी भी ईडी और सीबीआई की बात करते हैं तो जुडिशरी से लेकर सीबीआई तक कैसे अपने हिसाब से खिलौने की तरह इस्तेमाल करते थे, कितनी बेशर्मी से, कितना भ्रष्ट इस्तेमाल करते थे, इसका आज ये दुख इससे आपको हम लोगों के सामने रख के कि इनके ये जो आजकल ये ड्रामा कर रहे हैं ना कि सीबीआई ईडी फलाना डिवाका,
तो इनका एक अभी किस्सा है, अभी और बहुत से किस्से किसी दिन हम लोग फिर उसको चर्चा करेंगे। बिल्कुल, और इसीलिए इन सब चीजों को समझना बहुत जरूरी था कि कैसे नैरेटिव गढ़ा गया अश्विनी कुमार से लेकर के उस समय के आफ्ताब आलम तक। हर मैटर क्यों आफ्ताब आलम की कोर्ट में ही लगता था, उसकी बिटिया तिस्ता सीतलवार के एनजीओ में काम करती थी। अब सोचिए कि ऐसे ऐसे षड्यंत्र, ऐसे ऐसे जुडिशियरी का इस्तेमाल किया, जो ये कह रहे थे जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक मिश्रा का तो पूरा परिवार कांग्रेस का था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट तक आए। लेकिन चूंकि दीपक मिश्रा राम जन्मभूमि मामले की सुनवाई करना चाह रहे थे, परम राम भक्त थे, माना जाता है कि बड़ा सात्विक प्रवृत्ति के थे, इसीलिए दीपक मिश्रा के ऊपर महाभियोग लाना चाहता था कपिल सिब्बल। और किसके माध्यम से, सोचिए कैसे इस्तेमाल कर रहा, क्या कुछ होता था। क्या मनीष भैया गुरुजी, बिहार में शिक्षकों की होली के अवसर पर ट्रेनिंग में भेज दिया गया है सनातन विरोधी के पाठक को, निष्कासित करती सरकार जेडीयू का की चुनावी लिस्ट हास्यास्पद है। मुकुल जी कह रहे कि बंगाल के बशीरहाट से संदेश खाली की विक्टिम रेखा पात्रा को टिकट देकर एक बड़ा संदेश दिया है, इससे ममता बानो की कुर्सी हिल जाएगी। बहुत सारी चीजें इस रूप में हुई है, हम अलग से इसको समझने की कोशिश करेंगे पूरे लिस्ट को जब सामने आ जाएगी तो। लेकिन आज का जो सबसे महत्वपूर्ण विषय था जो सतीश जी ने बहुत गहराई से लाया, वो आफ्ताब आलम और अश्विनी कुमार का के मामले को, इस मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कीजिए ताकि जो नैरेटिव षड्यंत्र किया जा रहा है, और बॉलीवुड का खेल तो बहुत महत्वपूर्ण था, मुझे लग रहा है कि दोनों विश्लेषण बहुत सार्थक बहुत महत्वपूर्ण थे, इसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में साझा कीजिए, तभी इस रिसर्च का, दिन भर के इस मेहनत का जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं वो सार्थक हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, वंदे मातरम। वंदे मातरम, जय हिंद।